पेपर लीक मामले में विद्यासागर स्कूल से 4 आरोपी गिरफ्तार, जिला शिक्षा विभाग की टीम ने दर्ज कराई थी FIR। विजिलेंस शिक्षा विभाग की टीम को पहले से ही मिल रही थी सूचना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर करते थे पेपर लीक। विभिन्न धाराओं में दर्ज की गई है FIR, 4 लोगों की हुई है गिरफ्तारी, 2 लोगों को भेजा है जेल। मामले की विवेचना के बाद बढ़ सकते हैं आरोपी, 2 आरोपियों को भेजा गया जेल, जबकि 2 से पूछताछ जारी है, जांच के बाद ही खुल सकेंगी परतें, तफ्तीश में जुटी पुलिस। सर, प्रश्न पत्रों से संबंधित एक मामले में एक FIR दर्ज हुई है, क्या है वो पूरा मामला? देखिए, विद्यासागर विद्यालय है मानपुर क्षेत्र में, वहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल की विजिलेंस की टीम थी, उनको सूचना मिली थी और सूचना के आधार पर ये लोग गए थे, तो वहाँ पे ये तथ्य प्रकाश में आया कि कुछ पेपर्स लीक हुए हैं व्हाट्सएप के, और उसके आधार पर उनके द्वारा एक लिखित आवेदन थाने पर दिया गया है, इसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, अपराध क्रमांक 114/23 धारा 440 IPC और मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की। ओके, तो कितने लोग गिरफ्तारी हुई है और कितने लोग? प्राइम ऑफ एस सी 4 के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जी, और चार के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, तो कुछ याद पर अभी भी जाएगा, बाकी प्रकरण में भी विवेचना जारी है, किस व्यक्ति की कितनी संलिप्तता है और इसमें कोई नए नाम हो सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन पर संभव है कि इसका और कोई आरोपी भी बन सके। अच्छा, ये कोई गिरोह है या मतलब पहली बार किया, क्या है? अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, जस्ट 2 घंटे में बिल्कुल कह पाना कि बड़े लेवल पे चल रहा है या लोकल है, ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर। ओके, अभी कितने लोगों को जेल भेजा गया है? 2, और 2 लोग फरार चल रहा है सर? नहीं, फरार नहीं चल रहा, उनसे पूछताछ, वो भी आपकी गिरफ्त में है? पूछताछ चल रही है, तो गिरफ्त में ही होंगे, बिना उसके कैसे पूछताछ होगी? ठीक।